फ्रेंड्स, आज की मेरी ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जिनका बस्ट साइज बहुत ज्यादा रहता है। अगर आपके ब्रेस्ट बहुत ज्यादा हैवी हैं, तो आपको किस तरीके की ब्रा का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि आपके बस्ट बहुत ज्यादा हैवी ना लगे। इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ये होता क्या है कि जब ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा होता है और आपकी ब्रा का सिलेक्शन सही नहीं होता है, तो इससे ना तो कोई ड्रेस आपके ऊपर जचती है, आप अपने आप को बहुत ही एम्बेरेस फील करते हैं, कई ड्रेस पहनने से भी आप बचते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा पूरा फोकस सिर्फ अपने ब्रेस्ट पे ही होता है कि कहीं से और तो नहीं दिख रहा, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, कोई मतलब हमें गलत तरह से देख तो नहीं रहा है। इन्हीं सारी चीजों पे हम फोकस करते रह जाते हैं और किसी भी चीज को हम ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो अपने बस्ट साइज को मिनिमम दिखाने के लिए, कम दिखाने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रख के अपनी ब्रा का सिलेक्शन करना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप हमेशा फुल कवरेज वाली ब्रा पहने। फुल कवरेज वाली ब्रा से मेरा मतलब है कि उनका जो कप साइज होता है वो बड़ा होता है, आपके पूरे बस्ट एरिया को वो अच्छी तरीके से कवर करता है। ये आपके बस्ट साइज को स्मॉल दिखाने का काम भी करता है। और दूसरा, अगर आप फुल कवरेज वाली ब्रा ना पहन के नॉर्मल अपनी ब्रा पहनते हैं जिनका कप साइज छोटा है, अगर आप ऐसी ब्रा पहनते हैं तो उससे क्या होता है, आपके साइड में पाउचेस निकल जाते हैं। जैसे जहां पे आपके कप होते हैं वहां पे साइड में आपको स्किन ऐसे निकली निकली सी यहाँ पे साइड में दिखाई देती है या ऊपर की तरफ दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब लगता है। तो इसीलिए हमेशा फुल कवरेज वाली ब्रा का सिलेक्शन कीजिए। आप इसी तरीके से या तो ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप मार्केट में जाके शॉप पे भी अगर आप बोलेंगे ना फुल कवरेज वाली ब्रा दिखाइए, तो वो आपको उसी तरीके की ब्रा दिखा देंगे। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा फुल कवरेज वाली ब्रा पहने। दूसरी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आप जो भी ब्रा सिलेक्ट करें उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं, जो तनिया होती हैं, वो थोड़ी चौड़ी होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपका बस्ट साइज बहुत ज्यादा है और आपने पतली तनी वाला अगर ब्रा पहना हुआ है तो वो उसको ठीक से होल्ड अप नहीं कर पाता है और आपके ब्रेस्ट ऐसे नीचे की तरफ को लटके रहते हैं। लगातार अगर आप इस तरीके की ब्रा पहनते हैं तो आपके जो ब्रेस्ट टिश्यूज हैं वो लूज पड़ जाते हैं और उम्र से पहले काफी जल्दी आपके ब्रेस्ट लूज होने लग जाते हैं। तो इसके लिए हमेशा चौड़े तनी वाली, यानी कि जिसके चौड़े स्ट्रिप्स हो, वो वाली ब्रा का सिलेक्शन आप कीजिए। चाहे आप स्पोर्ट्स ब्रा पहने, चाहे आप नॉर्मल ब्रा पहने, हमेशा चौड़े तने वाले आप लीजिए। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कप साइज। हमेशा सही कप साइज लीजिए। कई बार हम लोग क्या गलती करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कौन सा कप साइज हमारा है, किसी भी कप साइज का कुछ भी बी सी डी जो हाथ लगा वो उठा के पहन लेते हैं। तो ये चीज आपको स्पेशली नहीं करनी है। जिन लोगों के बस्ट साइज कम होता है उन लोगों को तो ठीक है, बी भी चल जाता है, सी भी चल जाता है, एक दो नंबर वो आगे पीछे ही पहनेंगे तो भी चलेगा। लेकिन जिन लोगों का बस्ट साइज बहुत ज्यादा होता है उनको स्पेशली डी डबल डी ई एफ इस तरीके से जो बड़े कप वाले ब्रा आते हैं वो आपको सेलेक्ट करनी चाहिए। कप साइज कैसे मेजर किया जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के लास्ट में दे दूंगी और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डेफिनेटली आप चेक कीजिए और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका एक्चुअल कप साइज क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ब्रा का सिलेक्शन कीजिए। फोर्थ चीज आपको ध्यान रखना है आपके ब्रा का मटेरियल, कि जो कपड़ा है वो कौन सा है। कोशिश कीजिए कि आप कॉटन या कॉटन ब्लेंड का ही सिलेक्शन करें। इसके अलावा जितने भी सिंथेटिक कपड़े आते हैं जो एकदम पतले से होते हैं उनका आप इस्तेमाल ना करें। कॉटन का अगर आप ब्रा पहनते हैं तो वो आपको सही सपोर्ट देता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जो कॉटन का ब्रा आता है वो यहाँ पे नीचे की तरफ चुभता है या स्किन में ऐसे गड़ता है, तो वो कॉटन की वजह से नहीं होता है, आपके गलत साइज सिलेक्शन की वजह से होता है। सही साइज अगर सिलेक्ट करके आप ब्रा पहनेंगे तो आपको कभी भी कॉटन का कपड़ा हार्म नहीं करेगा। अच्छी क्वालिटी का पहनिए, सही साइज का पहनिए, तो आपको इस तरीके का प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। होता क्या है कि जब हम बहुत ही पतले या हल्के कपड़े में जब ब्रा खरीदते हैं तो वो बहुत जल्दी कपड़ा खराब हो जाता है, फैल जाता है, जिससे हमारे ब्रेस्ट को सही सपोर्ट नहीं मिलता है और हमारे ब्रेस्ट ऐसे लटके लटके रहते हैं और चारों तरफ से उसमें जो स्किन है वो बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमेशा अच्छी क्वालिटी का और सही साइज का ब्रा पहनिए। आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका और कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।